वेलकम। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, रियल नंबर क्लास 10 वीडियो 4। नाउ स्टार्ट। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के बारे में पहले भी बताया गया। व्हाट नेचुरल नंबर्स आर? दे आर काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? एग्जांपल 2 3 5 7 11 13। These are prime number because they have only two factors. Only two factors means, for example, 3. The factor of 3 is 1 and 3. Factor of 13, 1, 13. Factor of 23, 1, 23. It means the natural number which have only two factors, either 1 or the number itself, then that number is a prime number. One and the number itself. Prime number has only two factors. Now, on the other hand, composite number 4, 6, 8, 9, 10, 16, 28, 52. All these have more than two factors. More than two factors. For example, 9. The factor of 9 will be 1, 3, 9. 12. Factor of 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12. तो क्या देख रहे हैं, द फैक्टर ऑफ 12 1 2 3 4 5 6 दैट इज मोर देन टू फैक्टर्स। इफ अ नेचुरल नंबर हैव मोर देन टू फैक्टर, वन और उस नंबर के अलावा कोई दूसरा भी नंबर अगर उसका फैक्टर हो रहा है तो उस नंबर को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। ओके, तो ये तो प्रीवियस क्लासेस में काफी बार हो चुका है। अब कंपोजिट नंबर आर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मींस कोई भी कंपोजिट नंबर आप ले लीजिए, कोई भी, फॉर एग्जांपल 15, 15 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। 20, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 5, ये सब 2 और 5 क्या है, प्राइम नंबर है। इट मींस कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और यही उसका डेफिनेशन भी है। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम आर नोन एज कंपोजिट नंबर। स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंपोजिट नंबर का यही है। तो नाउ सी, कंपोजिट नंबर आर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ओके, और यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि क्लास 10 में टू प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को डील करेंगे, फर्स्ट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड सेकेंड वन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नो मैटर व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द प्राइम। मतलब क्या, अगर 20 है, किसी स्टूडेंट को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 आ सकता है, किसी को 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 आ सकता है, किसी को 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आ सकता है, नो मैटर व्हाट विल बी द ऑर्डर, बट दैट प्राइम्स मस्ट बी यूनिक। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर विल ऑलवेज बी यूनिक। This is called fundamental theorem of arithmetic. Very important. Prime factorization of a composite number is unique except for the orders of its factor. No matter उसके factor का order क्या है, 3 multiply 2 multiply 5 है कि 5 multiply 3 multiply 2 है, whatever the order be, no matter. This is called what? Fundamental theorem of arithmetic. Now see an example. Exercise 1.2, question number 5. What the question is? Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात माइंड में आता है कि प्राइम नंबर्स तो ये हो गए, कंपोजिट नंबर तो ये हो गए, यानी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 1 कहां है? 1 कहां है?
तो वन ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं या फिर फॉर द कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको आना चाहिए. वन इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट. नाउ सी द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है कि 6 टू द पावर n, पहले इस क्वेश्चन को समझिए. जैसे 6 टू द पावर 1 की क्या आया 6, क्या देख रहे हैं 6 टू द पावर 1 एंड विद 6, 6 स्क्वायर एंड विद 6, 6 cube into with 6, 6 to the power 4 into with 6. यानी कि always ये end कर रहा है किस digit पे? 6 पे. और यही यहाँ पे proof क्या करना है कि बताइए कि 6 to the power n, 6 का कोई भी power हो, 1 हो, 3 हो, 29 हो, 129 हो, कुछ भी हो, क्या वो 0 पे end करेगा? क्या उसके last में 0 आएगा? तो नहीं आएगा, नहीं आएगा. ये तो calculation से हमने देख लिया. लेकिन क्या क्लास 10 में ये क्वेश्चन इतना आसान होगा? नहीं. We must have to use fundamental theorem of arithmetic for proving कि whether 6 to the power n 0 पे end होगा या नहीं होगा. Very simple question and very important. आपको समझना है. See. पहले एक चीज जान लीजिए कि कोई भी नंबर हो, जैसे power 10, 20, 50, जो नंबर एंड करता है जीरो पे, कोई भी नंबर हो, कोई भी 100, अगर इसका प्राइम फैक्टर आप कीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 5, इसको क्या करते हैं? क्या देख रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड कर रहा है तो 5 उसका एक प्राइम होगा. 0 पे एंड कर रहा है 5 होगा, 0 पे एंड कर रहा है 5 होगा, कम से कम एक होगा. 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 20 हो सकता है, लेकिन कम से कम एक होगा. 100 ये 0 पे एंड कर रहा है तो 5 इसमें दिखाई पड़ेगा. तो मेरा पहला स्टेटमेंट यही होगा कि इफ 6 टू द पावर n If 6 to the power n ends with 0, then 5 must be ये स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है. अगर 6 to the power 0 पे एंड हो रहा है तो उसका फैक्टर 5 होगा. कैसे होगा अभी देख लीजिए. ठीक है, बहुत अच्छा. नाउ ये पहला सेंटेंस है. सेकंड, 6 टू द पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं? अब जरा सोचिए, आप थोड़ा सा समझिए कि कोई भी नंबर हो, कोई भी 2 का 2 टू द पावर क्यूब अगर करते हैं तो आप क्या लिखते हैं? यानी कि 2 टू द पावर क्यूब में फैक्टर क्या मिलेगा? तो हमेशा 2 मिलेगा. 6 टू द पावर 5, इसके फैक्टर्स क्या मिलेंगे? हमेशा क्या मिलेंगे? 6. 2 × 4 टू द पावर 3, 2 × 5, 3 × 5, 8. यानी कि फैक्टर में क्या मिलेगा? या तो 2 मिलेगा, 5 मिलेगा, दोनों मिलेगा. ठीक है, तो यहां पर इस केस में क्या होगा? 2 × 3 के पावर में, एक्सपोनेंट में कुछ भी हो, उसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो? यहां पे क्या देख रहे हैं? 6 के पावर में कुछ भी हो, लेकिन उसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो? 6 हो. उसके फैक्टर्स क्या होंगे? 6 होंगे. तो यहां पे टू एंड थ्री ये सेकेंड लाइन है. ये सेकेंड लाइन ये कह रहा है कि 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर कि क्या क्या होगा? 2 एंड 3.
ठीक है, एक लाइन कहता है कि प्राइम फैक्टर 5 होगा, एक लाइन कहता है कि प्राइम फैक्टर 2 और 3 होगा, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन विल ऑलवेज बी यूनिक, ये दोनों केस नहीं हो सकता है, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ऐसा हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये तो मालूम है ना, यहां पे 6 है, that's why 2 multiply 3 होगा, और इसके exponent में कुछ भी हो जाए, इसका कोई भी value हो, उसके factors 2 और 3 ही होंगे, it means, by fundamental theorem of arithmetic, prime factorization of a number is unique. It means 5 will not be a factor of 5 will not be a factor of 6 to the power n. तो जब 5 इसका factor नहीं होगा, तो ये number 0 पे end कैसे करेगा? शुरू में आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अगर 0 पे end कर रहा है, तो 5 उसका factor होगा. और हम क्या लिख रहे हैं कि 5 will not be a factor of 6 to the power n. क्यों? क्योंकि उसका factor 2 और 3 हो रहा है. और ये 2 and 3 unique होना चाहिए. ये unique है भी. Fundamental theorem of arithmetic यही बात कहता है. तो ये जब 5 इसका फैक्टर नहीं होगा, इट मींस 6 टू द पावर n विल नेवर बी विद 0 प्रूफ. सो सिंपल, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. यहां पे कोई नंबर हो, 5 टू द पावर n हो, 2 टू द पावर n हो, कोई कुछ भी हो, हमेशा इसी तरीके से प्रोसीड करना है. ये हमारा पहला स्टेटमेंट कि अगर ये एंड करता है 0 पे, तो 5 इसका फैक्टर होगा. ये मेरा सेकंड स्टेटमेंट, जो भी नंबर रहा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पे कर देना है. ओके, अगर यहां 4 टू द पावर n होता, तो यहां पे 2 एंड 2 होता, यानी कि 2 इज द ओनली फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n लिखते. ये सेकंड लाइन, इस लाइन से कह रहे हैं कि 2 एंड 3 फैक्टर है, इस लाइन से कह रहे हैं कि 5 फैक्टर है, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि दो में से एक ही चीज होगा, तो कौन सा चीज होगा, 2 एंड 3, इट मींस 5 विल नॉट बी अ फैक्टर, 5 विल नॉट बी अ फैक्टर, तो 5 अगर फैक्टर नहीं है, तो ये कभी 0 पे एंड नहीं करेगा. ओके, तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कहां चले गए, तो अब उस पे बात करते हैं कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन 1 2 3 एंड 4. Just see. एंड 300, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को निकाला जाए. क्यों निकाल रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज होगा 1.2, इसमें एचसीएफ या एलसीएम जो भी फाइंड करना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है. 1.1 में क्या था, उसमें जो एचसीएफ निकालना था वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से था. क्लियर, सी to 40
अब देखिए कोई भी नंबर होगा आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। अब अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना हो तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। वंस अगेन इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो ये यहां इसमें क्या लिखता है, इसमें फैक्टर क्या है 2, 5, इसके फैक्टर क्या है 2, 3, 5, कॉमन फैक्टर क्या है 2 and 5, कॉमन फैक्टर क्या बोल रहे हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। तो 2 और 5 ये दो नंबर देखना है, तो 2 का एक्सपोनेंट यहां कितना दिखाई पड़ता है 2, इसमें कितना दिखाई पड़ता है 3, स्मॉलेस्ट कौन है 2, और 5 में आओ यहां पे क्या है एक्सपोनेंट 1, यहां क्या है 2, स्मॉलेस्ट क्या होगा 1। ओके एलसीएम, नाउ एलसीएम LCM, LCM में क्या करेंगे, LCM is also the product of greatest power but not common, greatest power of all factors, यानी 2B, 5B, 3B, सब और सबका maximum power चाहिए, greatest power चाहिए। तो कौन कौन से factors हैं इसमें involved, 2, 3 and 5, 2 मैक्सिमम पावर क्या 3 का मैक्सिमम पावर क्या 1, 5 का मैक्सिमम पावर क्या 2, ये कितना हो गया 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4 किसका, एक्सरसाइज 1.2 का, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना हो तो आप ऐसे निकालिए, अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद इस तरीके से एक्सप्लेन कीजिए, कैसे रिप्रेजेंट किए हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड व्हाट इज एलसीएम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर ऑल द फैक्टर। Clear? Now see, यहां पर एक चीज बहुत बढ़िया से निकल के आता है कि अगर LCM and HCF इसको जरा मल्टीप्लाई कीजिए, तो LCM क्या आया है 600, HCF क्या आया है 20, कितना होगा 1200, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो नंबर दिया हुआ था ये कितना हो जाएगा 1200, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, इसको एक फॉर्मूला की तरह याद रखना है ऑलवेज, कि जब भी इसमें होता क्या है, इसमें चार है मेरे पास, फोर थिंग्स है, ए एलसीएम एचसीएफ दोनों नंबर, चार हो गए 1, 2, 3, 4, ये फोर में थ्री क्वांटिटी आपको दिया हुआ रहेगा कुछ भी, ये दोनों दिया हुआ है ये दिया हुआ है तो ये निकल जाएगा, ये दोनों दिया हुआ है ये दिया हुआ है ये निकल जाएगा, तो जैसे भी हो जो भी मैनिपुलेशन हो, बट ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू सॉल्व इट by using fundamental theorem of arithmetic, clear? लेकिन ये तीन नंबर के लिए काम नहीं करता है, यहां पे अगर तीन नंबर होता 40, 300 and 10,
तीन नंबर होता, यहां पर भी तीन नंबर होता, तो यहां पे तीन नंबर के लिए ये वर्क नहीं करता है। यानी क्या बोल रहा हूं मैं, एलसीएम ए बी सी, एचसीएम ए बी सी, ये कभी भी ये चीज नहीं होगा। ये फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर ओनली टू नेचुरल नंबर्स। क्लियर? ओके, तो इस तरीके से हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन बना लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक्सप्लेन, कोई भी नंबर यहां दिया रहेगा, कुछ भी 11, 12, 13, 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 या कुछ भी, इस फॉर्म में कोई भी नंबर दिया हुआ है, ये नंबर है, दिस नंबर, आपको बताना है कि ये नंबर कैसा नंबर है, क्या कंपोजिट है और है तो क्यों, क्या कंपोजिट है और है तो क्यों, कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें 5 कॉमन हो सकता है, यहां भी है यहां भी है, अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, ये नंबर है और इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 5 भी इसका एक फैक्टर है, 7 भी इसका एक फैक्टर है, ठीक है, यानी कि ये नंबर का, ये नंबर का नेचुरली एक फैक्टर क्या होगा, 1, ये नंबर का एक फैक्टर क्या होगा, यही नंबर, कोई भी नंबर होता है, देखिए यहां पे जैसे 12, तो 12 का फैक्टर एक 1 होता है, एक 12 होता है, और अगर कोई और फैक्टर हो गया तो इसका मतलब ये 12 कैसा नंबर होता है, कंपोजिट नंबर। अगर किसी भी नंबर का 2 से ज्यादा have more than two factor, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, एक फैक्टर तो 1 है ही, यूनिवर्सल फैक्टर सभी चीजों का, और एक फैक्टर वो नंबर खुद है, 2 फैक्टर हो गए, और वो 2 के अलावा इसका फैक्टर क्या आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर कैसा होगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है, इस नंबर का फैक्टर क्या है, एक 1 भी हो रहा है, इस नंबर का फैक्टर क्या है, 5 भी है, इसका फैक्टर क्या है, 7 भी है, इसका फैक्टर क्या, तो वो नंबर भी है, इसका मतलब इसके कितने फैक्टर हो गए, 1, 2, 3, 4 फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गया मींस ये कंपोजिट नंबर है, अगर ये प्राइम होता तो इसका 2 ही फैक्टर होता, या तो 1 होता नहीं तो वो नंबर होता, सिंपल। सो the number has more than two factors, therefore the number is composite, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपके बुक में कुछ और है, यहां पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके उसको चेंज कर दिया, अब जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको बनाएंगे, यहां पर क्या यूज हुआ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कैसे कैसे यूज हुआ, क्योंकि मैंने कहा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, तो कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन ही तो है, कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, और ये क्या कहता है कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, यानी कि एक ही बात है, अगर आप कंपोजिट नंबर को समझते हैं तो आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को बहुत अच्छे से समझते हैं।
ठीक है। तो हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन। सी क्वेश्चन 7 यहां पर क्या है, एक सर्कुलर पाथ पे दो स्टूडेंट मूव कर रहे हैं, सोनिया एंड रवि। सोनिया एंड रवि स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। ओके, क्या क्वेश्चन है? सोनिया 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 का वेलोसिटी क्या है या वो किस स्पीड से मूव कर रही है? तो सोनिया को एक राउंड पूरा करने में 18 मिनट का टाइम लगता है। वन राउंड कंप्लीट करने में। रवि या एक ही जगह से स्टार्ट करना है, उसको वन राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया होगा। अब सपोज सोचो ऐसा कि एक ही पॉइंट से दोनों एक ही टाइम में घूमना शुरू करते हैं, तो सोनिया ध्यान दीजिएगा, ये मैं बता नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, कैसे करेंगे क्या लिखेंगे वो बाद में बताऊंगा। सोनिया सोनिया यहां से चली तो 18 मिनट में यहां 36, 54, 72, 90, 108 और भी आगे जाएगा। रवि का देखते हैं, रवि का क्या है, उसको 12 मिनट लगता है, 12, 24, 36, 60 यानी कि 60 मिनट के बाद रवि कहां होगा, यहां होगा। 96 मिनट के बाद रवि कहां होगा, यहां होगा। 90 मिनट के बाद ठीक 90 मिनट में सोनिया कहां होगी, तो यहां होगी। तो ये ऐसा हो गया। तो अब जरा देखिए आप, 36 मिनट में सोनिया और रवि कहां है स्टार्टिंग पॉइंट पे, 72 मिनट में सोनिया और रवि कहां है स्टार्टिंग पॉइंट पे, 108 मिनट पे दोनों कहां है स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो अब जरा सोचिए आप, 36 मतलब शुरू से 36 मिनट के बाद दोनों मिल जा रहे हैं, फिर 36 पे दोनों मिल रहे हैं, 36 एंड 36, 72, फिर 36 पे दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है, कॉमन मल्टीपल, दीज आर मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ व्हाट, 18, मल्टीपल्स ऑफ व्हाट, 12, ये 18 के मल्टीपल है, ये 12 के मल्टीपल है, और 36 कॉमन मल्टीपल है। कौन से कॉमन मल्टीपल, लीस्ट वाले, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को क्या कहते हैं, LCM। तो यहां क्या निकाल रहे हैं, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना होगा, इसको जब आप समझ गए, अच्छे तरीके से समझना जरूरी है, इसको कैसे बनाएंगे, तो वेरी सिंपल, LCM ये दोनों का फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी जैसे अभी बताया गया आपको, उस तरीके से इसको फैक्टर, उसके सारे फैक्टर्स को लिखेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि LCM के लिए क्या बताए थे। तो LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स नो मैटर वेदर दे आर कॉमन और नॉट कॉमन। अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को पॉज कीजिए, बैक जाइए,
आपको समझ में आएगा। तो ये आपका होमवर्क भी रहा, ये एक्सरसाइज 1.2 पॉजिटिवली फिनिश्ड। थैंक्स।